दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की वेजिटेबल्स पाई जाती हैं और उनके दाम भी कम या ज़्यादा होते हैं और उन्हें लोग अपने पसंद के अनुसार खरीद कर खाते हैं। पर क्या आप ऐसी वेजिटेबल्स के बारे में जानते हैं जिन्हें आप खाने के लिए 10 बार नहीं 100 बार सोचेंगे? तो चलिए आपको 5 ऐसी वेजिटेबल्स के बारे में बताते हैं जिनके आगे आपको आलू, प्याज, टमाटर कौड़ियों के भाव के समान लगेंगे। पिंक लेटस, इसको रेडिचियो डेल वेनेटो भी कहा जाता है, जिसे अब तक इटली और कैलिफोर्निया में उगाया जाता था। पेंसिल्वेनिया में भी इसके कुछ फार्मिंग की जाती है। इसका टेस्ट थोड़ा मीठा, कड़वा और मसालेदार होता है। इसका प्राइस $10 पर पाउंड यानी कि ₹700 पर पाउंड है। यामाशीता स्पिनिच, यामाशीता पालक एक जापानी पालक है। इसकी खेती आशुफुमी यामाशीता के द्वारा पेरिस के बाहर लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर की जाती है। यामाशीता पालक आम पालक से 10 गुना महंगा बिकता है। इसका प्राइस $13 पर पाउंड है, जो कि इंडियन रुपीज़ में लगभग ₹900 पर पाउंड बैठता है। वसाबी रूट, इसे जापान में उगाया जाता है। ये एक प्रकार की रूट यानी कि जड़ है। इसे जापान की डिश सुशी के साथ सोया सॉस में मिलाकर खाया जाता है। इसका टेस्ट काफ़ी तीखा होता है। ये तीखा इस प्रकार होता है, जैसे इसे जीभ पर रखते ही एकदम से दिमाग में चढ़ जाता है। इसका प्राइस $73 पर पाउंड यानी कि लगभग ₹5100 का 1 पाउंड मिलता है। ला बोनोटे पटेटोज, गाइस आप आलू तो खाते ही हैं और ये आपको इजीली 15 से 20 रुपए किलो मिल जाते हैं। ये आलू दुनिया का सबसे महंगा आलू है। इसका प्राइस $320 पर पाउंड यानी कि लगभग ₹22,000 पर पाउंड है। इसकी खेती फ्रांस के एक छोटे से टाउन में की जाती है और गाइस क्या आपको पता है कि दुनिया में इस आलू को केवल इसी जगह उगाया जाता है। इस आलू की खेती हाथों से की जाती है और हर साल केवल 10,000 पाउंड यानी कि 4,500 किलो ही उग पाता है। इन्हें केवल 1 मई से 10 मई के बीच में ही खरीदा जा सकता है यानी कि सिर्फ 10 दिनों के अंदर। होप शूट्स, गाइस दुनिया में एक ऐसी सब्जी भी पाई जाती है जिसकी कीमत $1,000 यानी कि लगभग ₹78,000 पर केजी है। इसकी खेती आमतौर पर ब्रिटेन, जर्मनी के साथ कई यूरोपीय देशों में की जाती है। इस सब्जी को जंगलों में उगाया जाता है। इसे काटते समय बहुत सावधानी भी बरतनी पड़ती है क्योंकि इसे सही समय पर काटा ना जाए तो इसकी टहनी मोटी हो जाती है और खाने योग्य नहीं रहती। इसे उगाने के लिए थोड़ी धूप और नमी की आवश्यकता होती है। कमाल की बात तो ये है कि ये 1 दिन में 6 इंच तक बढ़ जाती हैं। इसे लोग सब्जी बनाकर या अचार बनाकर खाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की 5 मोस्ट एक्सपेंसिव वेजिटेबल जो शायद ही कोई खा पाए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करो और अगर नए हो तो हमारे चैनल अबाउट दी वर्ल्ड हिंदी को सब्सक्राइब करो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना क्योंकि और भी अमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।